गुड मॉर्निंग गैस, बज रहे हैं 8 और अभी मैंने एयरप्लेन मोड हटा लिया है। देखते हैं बंसल जी को बाहर कैसा मौसम है। ये तो भाई मौसम देख लेते हैं आज कैसा है। अरे वाह, हाँ ये अभी और होने दो। नीचे दादी गार्डन में क्या बेहतरीन मौसम हो रखा है। आज बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो गई है, बहुत तेज और डार्क है पूरा मौसम। ये देखो इस टाइम तो धूप निकल जाती है पहाड़ों पे। यहाँ पे 10-11-12 बजे से दिखा रखी है बारिश दबा के, 11-12 से रहेगी कल तक। हवा देखो कितनी चल रही है व्हाइट मकान के ऊपर। इस पे तो हल्की हल्की सी देखो धूप आ गई है। और आपको पता है इसी पहाड़ के नीचे मेरे दोस्त प्रकाश जी का प्लॉट है जिस पर वो काम करा रहे, कैफे खोलने वाले हैं वो। ये रास्ता ही पूरा झड़ी पानी जाम। इस पेड़ के हिलने से अंदाजा लगाओ कि हवा कैसी चल रही होगी। अभी बंसल जी को फ़ोन करता हूँ, देखते हैं क्या स्थिति है, कहाँ है, ऑफिस जा रहे हैं या चलना है। और चलने में ही फ़ायदा है, स्नोफॉल का मज़ा लेंगे। बंसल जी को मैंने फ़ोन किया था लेकिन बंसल जी ने बोला कि मतलब थोड़ा सा इतने एक्साइटेड नहीं हुए जाने के लिए, शायद उनको ऑफिस में कुछ काम होगा। तो फिर भी मैंने उनको एक मैसेज छोड़ दिया है कि आप मुझे बता दीजिए आपको ऑफिस जाना है या घूमने जाना है। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आधे पौने घंटे में बताता हूँ। तो आधा घंटा तो हो भी गया है तो मैं आधे घंटे बाद एक बार फिर से पूछूंगा या नहीं पूछूंगा, चलो बंसल जी से तो पूछूंगा नहीं लेकिन रोहित से पूछूंगा। और अपना पेट्रोल शेयरिंग करके अपना चक्राता या लैंडोर की तरफ निकल सकते हैं, देखते हैं। वैसे तो मेरा लैंडोर की बजाय अभी चक्राता में जाने का मन कर रहा है क्योंकि गूगल मैप में गूगल टेम्परेचर में चक्राता का ही स्नोफॉल दिखाया हुआ है। और अभी जो टेम्परेचर जो सुबह से ख़राब होना था, जो बारिश सुबह से आनी थी, वो 3-4 बजे खिसक गई है और कल भी थोड़ी सी पीछे हो गई है 3 बजे तक। तो पीछे खिसकता जा रहा है जैसे पिछली बार हुआ था। और बादल तो खैर जमावड़ा लगाए हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे आपको माहौल दिखा देता हूँ यहाँ पे अभी कैसा है मेरे घर के आसपास। ब्रेकफास्ट में तैयार हो रहे हैं ब्रेड पकोड़े। ये जो मैं ब्रेड लाया था ना, ये उससे लाया था महेश्वरी स्वीट वाले से, करणपुर से। इसका कोई नाम नहीं ना, देखेंगे खा के अगर ठीक लगी तो। एक ब्राउन ब्रेड है, एक वैसी है सादे वाली। तो अच्छी हवा चल रही है तो हल्की हल्की बारिश भी आ रही है और ये पूरा फ्लोर गीला हो चुका है, तेज़ बारिश आ गई। अभी पहाड़ों का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखो पूरा धुंध कोहरा आ चुका है, बस थोड़ी देर में डिपार्चर हो रहे हैं। फास्ट हवा यार, क्या ये देखो किस तरह से, ये देखो किस तरह से हिल रहे हैं सब पेड़ पौधे। बारिश हो रही है। तो अभी बंसल जी से बात हुई है और सैनी भाई से, हम तीनों जा रहे हैं लैंडोर 1 बजे। तो फाइनली बंसल जी अपने ऑफिस का काम निपटा के आते हैं और सैनी भाई भी जल्दी से, वो सैनी भाई का अपना चाप की फैक्ट्री है तो वो कह रहे हैं कि चाप रख लेता हूँ 1 किलो, वहीं जाके बनाएंगे, खाएंगे, रोस्ट कर लेंगे। अब पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी हो रही है बारिश और पूरा मौसम ख़राब है और धनोल्टी से खबर आई है कि वहाँ पर स्नोफॉल हो चुका है। और देखते हैं हमारी किस्मत में क्या है, आज रात को लैंडोर में रुकेंगे, वहीं पर सिस्टर बाजार लैंडोर बेक हाउस के ऊपर। अभी बज रहे हैं 10 और मेरे पास सिर्फ 1.5-2.5 घंटे का टाइम है और जल्दी से जल्दी मैं वीडियो को एडिट कर देता हूँ। जो मसूरी का स्नोफॉल लास्ट टाइम गया था, ये वीडियो Day 2 Part 4 डालने वाला हूँ मैं। देखते हैं जल्दी से जल्दी कर पाऊँगा क्योंकि 2 दिन से मैं मेरठ हूँ तो ये डाल नहीं पा रहा था। 10:40 और बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो पेड़ किस तरह से हिल रहा है, कितनी तेज़ हवा आ रही है। बराबर में कोई स्कूल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उन्होंने वो लगा हुआ था तंबू। और देखो रेत वेत सब उड़ रहा है उनका। अभी थोड़ा सा दिन निकल गया है, मतलब जैसे थोड़ी देर पहले मैं बाहर था रिकॉर्डिंग कर रहा था, अंधेरा था बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी काफ़ी दिन थोड़ा सा उजाला हो चुका है। मुझे लग रहा है थोड़ी देर में 1 बजे के पास बारिश बारिश है तो शायद हो सकता है और भी ज़्यादा अंधेरा मिले हमें। लैंडोर तो जाना है ही 1 बजे। हमने चाप की दुकान खोली थी वहीं से दिख रही है। अच्छा, यहाँ से भी दिख रही है। कहाँ पे हो आप? मैं तो घर पे ही हूँ। सैनी भाई कह रहे थे कि 1 बजे चलना है, मैं उस हिसाब से नहीं, मैंने उनको फोन कर दिया। अच्छा, अभी आधे घंटे में निकल रहे भाई, 11:30 बजे। हाँ निकल रहे। नहीं मैं तो तैयार हो जाऊंगा अभी 15-20 मिनट में। आप कहाँ हो अभी? अच्छा घर के पास ही हो, चलो आ जाओ, आप आ जाओ। मैं आ रहा आपके पास ना। आ जाओ। तो चोटियां देख के तो मजा आ गया बिल्कुल। मैं बोल तो रहा हूँ जो नहीं जाएंगे गलती करेंगे। अभी 1 बजे से मौसम खराब है, पूरा शाम तक रात तक बारिश है, पूरा रात को बर्फबारी है। बस आ रहा हूँ मैं आपके पास ना, 5 मिनट में पहुंच। आ जाओ। तो अभी बंसल जी का फोन था, उन्होंने ससधारा रोड से पूरा पहाड़ देखे होंगे हमारे यहाँ से, देहरादून से पूरी बर्फीली चोटियाँ दिखती हैं। ये सीन होता है कम से कम 2 बार हो जाता है, लेकिन इस बार अभी तक फरवरी आ गया लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दी थी। तो फिलहाल देहरादून ससधारा रोड से या पूरे देहरादून से धनोल्टी की पूरी बर्फीली चोटियाँ दिख रही हैं। जो हमारा 12-1 बजे का प्लान था वो जल्दी बंसल जी एक्साइटेड हो गए हैं कि चलो जल्दी चलते हैं। और तो वो बस 5 मिनट में मेरे घर पर पहुँच रहे हैं और मैं होता हूँ तैयार। और जो व्लॉग एडिट कर रहा था लैंडोर का पिछला पुराना 1 महीने का, तो वो अभी मैं
पोस्टपोन कर देता हूँ, लैपटॉप अपने साथ ले जाऊँगा मैं। बंसल आ जाओ ऊपर ही आ जाओ, ऊपर ही आ जाओ। बंसल जी आ गए हैं। तो मैंने अपना लैपटॉप का बैग भी ले लिया और दूसरा बैग भी ले लिया, अब निकल रहे हैं यहाँ से। बारिश हो रही है अभी भी। बंसल जी करके वो ले लेते हैं। मैंने कहा क्या करेंगे, वहीं खा लेंगे कुछ। हाँ पूछो सैनी भाई से कहाँ हैं, उनको पिक करते हैं। तो अभी जा रहे हैं अभी से एक सैनी भाई को पिक करने, देखते हैं वो कहाँ पर है, घर पे है फैक्ट्री में। हमारे घर के बाहर आने वाले हैं। थोड़ा सा नीचे आए, धूप देखो कितनी निकल रही है यहाँ पे, लेकिन बारिश भी हो रही है, धूप भी निकल रही है, देखते हैं क्या हो। बंसल भाई के घर आए थे जैकेट लेने, जैकेट भूल गए थे, तो यहाँ से ना बर्फ़ दिख रही थी सामने पहाड़ उस पेड़ के पीछे, और उस पर बर्फ़ दिख रही है मुझे हल्की हल्की सी। हो सकता है अभी भी स्नोफॉल हो रहा हो वहाँ पे, अभी बस वहीं पे जाएंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ से देहरादून से देखी मैंने बर्फ़ बहुत हल्की पड़ी है, पर दिख रहे हैं स्नो भी हिमालयस धनोल्टी साइड के। अभी सैनी भाई को उठाते हैं और फिर डायरेक्ट जाते हैं लैंडोर। अब देखते हैं लैंडोर जाएंगे या धनोल्टी जाएंगे। हो सकता है पहले लैंडोर जाएँ और अपना रूम सिक्योर कर लें और फिर वहाँ से धनोल्टी। सैनी भाई के घर आ गए हैं। हवा तो बहुत चल रही है यहाँ पे, आज बेहतरीन हवा चल रही है। आ जाओ जल्दी आ जाओ। फिलहाल मैं जाने से पहले देहरादून में खड़ा होकर टेम्परेचर चेक कर रहा था, तो 4-5-6 बजे से बारिश दिखा रखी है। तो दिक्कत होती थी इसमें, दो बोट आई। अरे मास्क लिया? मास्क वास्क सब ले रखा है, मेरे पास है, अंदर 5-6 रखे हुए। तो 11:40 हो गए भाई, अभी से एक सैनी भाई आ गए हैं। तो अभी एक बार सैनी भाई की फैक्ट्री में जा रहे हैं, जल्दी से साइन वाइन करने इनको एक दो, फिर वापिस इसी रास्ते से। सैनी भाई के फैक्ट्री के बराबर में हिमालयन बुलबुल और ये दूसरी चिड़िया आ गई है, उनको जाके बुला के लाना पड़ेगा, बहुत देर होगी उनको गए हुए। चलो देखते हैं ऑफिस में क्या कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो, बहुत देर होगी इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। केतली भी रख लेना ज़रूर, खाली है वो भी। तो बंसल भाई भी वेट कर रहे हैं सैनी भाई कब आएंगे। आ जाओ जल्दी। तो जहाँ पे सैनी भाई की फैक्ट्री है यहाँ पे देखो, ये पूरा एरिया ससधारा का, ये नदी ससधारा से आ रही है और बहुत ही खुला एरिया है यहाँ पे, और ये ऊपर पैसिफिक गोल्फ दिख रहा है। लेट्स मूव। 6 डिग्री है ना। कोठाल गेट पहुँच गए हैं, ओल्ड मसूरी रोड यहाँ पे आके मेन मसूरी रोड पे मिलती है। लैंडोर बहुत अच्छी जगह है। ये वापस देहरादून जा रही है वाली रोड, मेरे अपार्टमेंट की तरफ जा रही है। मसूरी से पहले एक चेक पोस्ट आता है, चेक पोस्ट पे पहुंच गए हैं। अभी बारिश लगातार हो रही है। इस चेक पोस्ट पे अगर आपकी गाड़ी का नंबर UK 07 यानी कि देहरादून का नंबर है, तो आपको कभी पैसे देने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इनको बोल दीजिए हम लोकल हैं, तो आपका माफ हो जाता है। ये देखो रोकेगा जरूर। चलो चलो चलो। तो मसूरी दिखना चालू हो गया है यहाँ से, हम पिक्चर पैलेस पहुँच गए, ऑलमोस्ट मसूरी माल रोड आने वाला है। देहरादून से मसूरी पहुँच गए और बारिश कंटिन्यू हो जा रही है। लैंडोर की तरफ चढ़ाई चालू कर दी हमने। क्लॉक टावर आ गया, हम पहुंचे हैं, वहां बर्फ पड़ रही है। चले जाएंगे, जाम लग जाएगा। जैसे ही हम लैंडोर मतलब ये पहुंचे कोल्ली मार्केट, और बारिश हो गई है तेज, देखते हैं कुछ हो सकता है। बारिश ने तो पूरी उम्मीद जगा रखी है। ये रास्ता थोड़ा क्रूशियल सा है, ये थोड़ा बिल्कुल स्टीप चढ़ाई। ये बर्फ पड़ रही है क्या? बर्फ पड़नी शुरू हो गई। भाई ये बर्फ पड़नी शुरू हो गई जैसे ही हम यहाँ पहुंचे। तो स्नोफॉल चालू हो गया लैंडोर में, और जैसे ही हम पहुंचे हैं पूरा स्नोफॉल हो रहा है। देखिए ये देखिए पूरा स्नोफॉल हो रहा है। जल्दी आ जाओ, इससे पहले रास्ता बंद हो हम लैंडोर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरा स्नोफॉल हो रहा है। आपको और भी ज्यादा आगे मजे दिखाऊंगा। चल इसको हॉर्न दो, रूम लेके ले चलना, यहाँ से राइट में घुमा के मोड़ना, इस पे मुड़नी पाएगी। ले लो, हाँ बस ऐसे करके अब लेफ्ट लो। तो बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे लैंडोर में, ये देखिए मजा आ रहा है पूरा, बहुत अच्छी स्नोफॉल। तो भाई फुल स्नो में जा रहे हैं, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहे हैं। ये देखो कितना प्यारा एरिया। ये देखो भाई स्नो, मजे ले रहे हैं सब, फुल मजे ले रहे हैं। बहुत बढ़िया स्नो पड़ रही है, आप भी मजे लीजिए। देखिए बाहर, अभी थोड़ी देर में हम भी बाहर निकलेंगे, तब आपको दिखाऊंगा सब कुछ। लगने के चांस नहीं, लगने भाई।
भाई कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई बात नहीं। वाह क्या फोटो आ रहे हैं भाई, क्या फोटो आ रहे हैं भाई। मैं भी ले लूं। अरे चिंता मत करो। ये वाला कमरा है ऊपर वाला ना, ये लैंडोर बेक हाउस के ऊपर। और कोई कमरा नहीं है यहाँ पे, पूरा कैंटीन सिर्फ यही है, ठीक है ना। ले लो चुपचाप। ये लैंडोर बेक हाउस है और हम यहाँ पर हैं। कार वहाँ पे पार्क कर दी है, स्नोफॉल हो रहा है कितना बढ़िया, और मेरी पूरी जैकेट में। चलो ऊपर कमरा देख लेते हैं, ये सामने। और ये देखो कितना अच्छा है, चलो अंदर कर चलते हैं। बस यही वाला ठीक है हमारे लिए, तो राइट वाला ही। आपको एक बार कमरा दिखा देता हूँ हिमालयन रेंज का, इधर आओ। तो बंसल भाई ने वो दूसरे वाला रूम सेलेक्ट किया, ये वाला नहीं कर रहे बाकी उसका। तो फिलहाल हम रूम से बाहर आ गए हैं, जो बैक साइड का रूम है जिससे पीछे का एरिया दिख रहा है। हम वहाँ पे बहुत अच्छा स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। तो और भी तेज स्नोफॉल चालू हो गया यहाँ पे, और हमने रूम तो बुक कर लिया है। ये है ना, ये है हैवी स्नोफॉल। एक तो रुई की तरह उड़ता है, एक ये थोड़ा सा मोटे मोटे पत्थर से गिरने चालू हो गए हैं। तो हमें नहीं पता हमें कैसा बिहेव करना चाहिए इस बर्फ में। हमें टोपा पहनना चाहिए, जैकेट पूरा कवर कर लेना चाहिए, पता चला बाद में गीले हो गए। लेकिन अभी देखते हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस है बर्फ में। गीले तो बाद में हो जाएंगे अभी, हालांकि हाथ सुन नहीं हो रहे हैं अभी इतना। जैकेट गीली नहीं हुई, कैप पहन लूं मैं भी यार। सो हम थोड़ा सा घूमने निकल पड़े हैं जरा सी दूर। यहाँ पे रुकवे मैनोर की एक प्रॉपर्टी है, विला टाइप, और हम बिल्कुल बेकरी के सामने हैं। और ये इनका घर है प्रकाश वालों का, और सामने जाते हैं विला में, कुछ फोटोग्राफी करते हैं। ये किस तरह की शॉप है, शायद छोटी सी शॉप है यहाँ पे। प्लीज़ कॉल ऑन, इन्होंने नंबर दिया हुआ है। ये कुछ सजावट किया हुआ है। तो ये रुकवे मैनर की प्रॉपर्टी है, इसका नाम है कुछ पाइन ट्री लॉज।